हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ईएसआई एंड ईपीएफ के जो रजिस्ट्रेशन कंपनीज रजिस्ट्रेशन के साथ में दोस्तों हुए हैं, उनके कंप्लायंसेस किस तरीके से करने हैं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन अभी भी काफ़ी लोगों को हो रहा है। कुछ कह रहे हैं कि सर एक्सटेंशन लेते रहें तो काम चल जाएगा, कुछ कहते हैं कि सर क्या हम नल रिटर्न कर दें सभी केसेस में, कि हमारे तो दो चार एम्प्लॉई हैं, हम उन्हीं को सैलरी दे रहे हैं। कुछ कह रहे थे कि सर अगर दो एम्प्लॉई हैं और वो सैलरी ले रहे हैं तो उनकी क्या रिटर्न भरना ज़रूरी है। कुछ कह रहे हैं कि सर 15 एम्प्लॉई हैं, 20 एम्प्लॉई हैं, लेकिन सैलरी जो है, जो लिमिट है ईएसआई एंड ईपीएफ में, उससे ज़्यादा है, तो सर क्या हमारे ऊपर ईएसआई एंड ईपीएफ एक्ट की जो रिटर्न फाइलिंग वाली लिमिट है, क्या वो एप्लीकेबल होती भी है या फिर नहीं? क्या सर हमें वॉलंटरी रिटर्न फाइल करनी चाहिए या फिर नहीं? क्या सर हमें मैंडेटरी रिटर्न ही करना चाहिए या फिर वॉलंटरी करने से कुछ फ़ायदे हैं या फिर नहीं? तो दोस्तों, इन सभी क्वेरीज को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है उस पर ईमेल कर सकते हैं, या दोस्तों हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो भी कंपनी फरवरी 2020 के बाद में रजिस्टर हुई है, उन सभी का ईएसआईसी एंड ईपीएफ में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो गया है, चाहे आपको इसका पता हो या ना हो, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर आप ईएसआईसी एम्प्लॉयर कोड सर्च गूगल पर टाइप करेंगे, उसमें अपनी कंपनी का नाम वगैरह डालेंगे, तो आपको अपना ईएसआईसी नंबर, और ईपीएफ इस्टेब्लिशमेंट सर्च में जाएंगे तो आपको अपना ईपीएफ नंबर भी दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। और आप जा करके फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड अपना फॉरगेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड आपके पास हो। अगर वो नहीं है तो आपको डिपार्टमेंट से चेंज कराना होगा वो, ठीक है। चेंज कराने का एक अलग प्रोसेस है, वो भी हम अलग वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, उसके बाद में एप्लीकेबिलिटी की क्या क्राइटेरिया है। जब दोस्तों ये इफ़ेक्टिव हुआ था, यानी कि मिनिस्ट्री इसे लेकर के आई थी, तो उस समय यह था कि भैया जब तक आपके ऊपर ईएसआईसी एंड ईपीएफ एक्ट जो है मैंडेटरी एप्लीकेबल नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी कंप्लायंस नहीं करना है, बट आपको एवरी 6 मंथ में एक्सटेंशन लेते रहना है। तो जो एक्सटेंशन वाला क्राइटेरिया है दोस्तों, वो ईएसआईसी एक्ट में तो एक्सटेंशन हो जाती है ईजिली, अगर आप हर 6 महीने में अपने जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर देते हैं तो वो एक्सटेंड होता रहता है। और जो है, अगर आपके एम्प्लॉई जो है ईएसआईसी के केस में 10 से कम है, तो आपके ऊपर ईएसआईसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। पहले हम ईएसआईसी का ही ले लेते हैं, उसके बाद ईपीएफ का लेंगे, ठीक है। एक साथ दोनों को लेने में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ईएसआईसी की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। अगर आपके एम्प्लॉई जो है दोस्तों 10 से कम है, ठीक है, तो आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन ही क्या है, ऑप्शनल है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही ऑप्शनल है। फाइल करने की बात अलग है, रजिस्ट्रेशन लेना ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जब भैया रजिस्ट्रेशन लेना ही ज़रूरी नहीं है, तो फिर रिटर्न फाइल करना भी ज़रूरी नहीं है। ईएसआईसी जो एक्ट है वो कहता है कि अगर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉई 10 और मोर हो जाते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, और उन 10 एम्प्लॉई की सैलरी है ना, बेसिक प्लस जो उसका बाइफरकेशन है, बेसिक प्लस डीए, वो दोस्तों कितना होता है, 21,000 तक है। मतलब ऐसे 10 एम्प्लॉई जिनकी सैलरी जो है बेसिक प्लस डीए करके 21,000 तक है, अगर ऐसे 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई आपकी इस्टेब्लिशमेंट में है, तो आपको जो है ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन लेकर के रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके एम्प्लॉई हैं 10 और मोर एम्प्लॉई आपके दोस्तों हैं, और उनकी जो है क्या है, उनकी दोस्तों सैलरी अप टू 21,000 है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन तो आपका हो गया, आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी है, और निल रिटर्न नहीं करनी है दोस्तों, आपको प्रॉपर ईएसआईसी डिडक्ट करके और प्रॉपर पे करना है, और ईएसआईसी के रिटर्न इस तरीके से फाइल करनी है। अगर आपके 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई ऐसे हैं जिनकी सैलरी अप टू यानी कि 10, 15, 12, 21,000 तक है, लेकिन दोस्तों अगर आपके ऐसे एम्प्लॉई जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, वो 10 से क्या है, कम है, लेकिन आपके टोटल एम्प्लॉई जो है कितने हैं, 10 से ज़्यादा हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, जितने एम्प्लॉई आपके
21,000 तक की सैलरी वाले हैं उनकी रिटर्न करनी है, क्योंकि अगर आपके टोटल एम्प्लॉय दोस्तों 10 से ज़्यादा हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है लेना यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको जरूरी होगा। अगर आप मान लो आपके एम्प्लॉय हो गए 15, ठीक है, और 15 के 15 की सैलरी है 21,000 से ज़्यादा, तो भैया आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना जरूरी हो गया। और आप ऑप्शनली डिडक्ट करना चाहते नहीं हैं तो आपको जो है यहाँ पर डिडक्ट करके ESIC की रिटर्न फाइल नहीं करना है, आपको जो है निल रिटर्न भी आप यहाँ पर दोस्तों फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके टोटल एम्प्लॉय 15 हैं और 15 में से दोस्तों 5 की जो सैलरी है 21,000 तक है, यानी कि 21,000 से कम है, तो दोस्तों उन 5 के लिए आपको जो है ESIC की रिटर्न प्रॉपर ESIC डिडक्ट करके फाइल करनी है। और बाकी के जो आपके 10 एम्प्लॉय हैं उनकी अगर सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो उनकी रिटर्न अगर आप वॉलंटरी यानी कि ऑप्शनली डिडक्ट करके करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं ESIC की रिटर्न फाइल करने के, लेकिन फिर भी आप अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, मैंडेटरी जिनकी सैलरी 21,000 तक है उनके लिए ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन तो कंपनी के साथ हो गया और एम्प्लॉय हमारे 4 ही हैं, ठीक है, जिनकी क्या है सैलरी 21,000 तक है। अगर आपके मतलब 10 से कम एम्प्लॉय हैं और सैलरी आपकी 21,000 तक है तब भी दोस्तों वॉलंटरी है, यानी कि आपको डिडक्ट करके रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर भी दोस्तों निल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये उस केस में ही रिटर्न फाइल कर ली, अगर आपने एक्सटेंशन नहीं ली, अगर आप हर 6 महीने में एक्सटेंड करते रहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को, तो रिटर्न फाइल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत मतलब 10 एम्प्लॉई से ज़्यादा ना हो आपके, अगर आपके 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी है, फिर आपके ऊपर दोस्तों वो एप्लीकेबल हो ही जाता है, फिर आपको चाहे निल या फिर जैसा केस है वैसे फाइल करनी है। अगर 10 तक है मतलब 10 से कम है, 9 तक हैं, 2-9 तक ही मानिए, तो आपको एक्सटेंड करते रहना है, ठीक है, आपको निल रिटर्न नहीं करना है। अगर आप एक्सटेंड करना भूल भी गए और आपके एम्प्लॉई 10 से कम है तो दोस्तों आप निल रिटर्न फाइल करना शुरू कर दीजिए, लेकिन ऐसे में छोड़िए, निल रिटर्न फाइल करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज दोस्तों आपके ऊपर लेट फीस यहाँ पर लग सकती है, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं EPF में दोस्तों। EPF की जो लिमिट होती है टोटल एम्प्लॉयज की वो होती है 20 और मोर एम्प्लॉय अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट या कंपनी में होंगे, जब भी दोस्तों EPF रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी आपके ऊपर हो जाएगा। लेकिन जो कंपनी रजिस्टर हुई है MCA के थ्रू, उनका जो दोस्तों EPF आता है, अगर आप EPF पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर वो दो ऑप्शन देता है कि वॉलंटरी कवरेज आप कर रहे हैं यानी कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं, या फिर मैंडेटरी आपके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। मैंडेटरी कब होगा, जब आपके पास जो है 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वॉलंटरी कवरेज या तो आप करेंगे, अगर वॉलंटरी कवरेज का मतलब अगर आपके 4 एम्प्लॉई हैं, 2 हैं, कितने भी एम्प्लॉई यानी कि 20 से कम है और आप खुद से ही उन एम्प्लॉई का PF दोस्तों काटना चाहते हैं, तो जो है आप वॉलंटरी एक एग्रीमेंट होता है वो साइन करके अपलोड कर सकते हैं और वॉलंटरी आपका रजिस्ट्रेशन जो है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपने वॉलंटरी अपना रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर लिया दोस्तों, तो फिर जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं अप टू 15,000 सैलरी वाले, बेसिक प्लस DA इसमें भी देखी जाती है, अगर आपके बेसिक प्लस DA वाले 15,000 तक के एम्प्लॉई हैं तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपको उन एम्प्लॉई की रिटर्न फाइल करनी होगी। मान लो वॉलंटरी आपने ले लिया और 4 एम्प्लॉई हैं जिनकी 15,000 तक सैलरी है, तो दोस्तों आपको उनका जो है काटना होगा। और जिनकी सैलरी 15 से ऊपर है यानी कि 16,000 है मान लो बेसिक प्लस DA, तो उनका यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उनका काट सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंडेटरी EPF के केस में दोस्तों मतलब कंपल्सरली एप्लीकेबल तभी होता है जब 20 से आपके एम्प्लॉई क्रॉस हो जाए टोटल एम्प्लॉई, और चाहे उनमें 15 तक आपके कुछ कम हो। अगर आपके मान लो 20 से क्रॉस हो गए तो आपको मैंडेटरी वाले पर क्लिक करना है और मैंडेटरी आप पर एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके एक्टिवेट कर लेना है अपना EPF का रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपके सारे के सारे एम्प्लॉई का बेसिक प्लस DA 15 तक है तो सभी एम्प्लॉई का काटना है। अगर सबका नहीं है, सिर्फ 2-4 एम्प्लॉई का ही है, मतलब जितने का भी है 5 का 10 का 15 का 17 का, तो उतने ही एम्प्लॉई का दोस्तों आपको डिडक्ट करना है EPF, और EPF की रिटर्न दोस्तों प्रॉपरली मंथली फाइल करनी है, ठीक है। तो
तो इसमें भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब आता है कि सर, मतलब मैं कुछ क्वेरी लेता हूँ जो लोग पूछते हैं कि सर हमारी कंपनी है, अभी हमारी कंपनी में कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ हम दो डायरेक्टर हैं, ना हम सैलरी लेते हैं ना हम कुछ करते हैं, और सर हमने कोई एक्सटेंशन भी नहीं ली है, तो सर हमारे ऊपर क्या ESIC और EPF एक्ट एप्लीकेबल होगा? तो दोस्तों इस केस में ESIC एक्ट में, क्योंकि एक्सटेंशन बेस है, तो अगर आपने हर 6 महीने में एक्सटेंशन अपनी नहीं ली है तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपके ऊपर ESIC एक्ट एप्लीकेबल। तो वो लोग तो एज्यूम कर लेते हैं कि जी आपके ऊपर जो है एप्लीकेबल हो गया तभी आपने एक्सटेंड नहीं किया है। तो उस केस में अगर आपके एम्प्लॉय जो है 10 से कम है और दोस्तों सैलरी, मतलब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, सैलरी वाला क्राइटेरिया देख करके आपको निल रिटर्न अपनी फाइल करते रहना है, ठीक है। अगर आपके टोटल एम्प्लॉय 10 से क्रॉस होते हैं, फिर चाहे ऐसे एम्प्लॉय जिनकी 21,000 से कम है, वो 2 हैं या 4 हैं या 10 हैं, सभी की दोस्तों फाइल करनी है। 21,000 से कम वालों की मैंडेटरी हो जाती है, ऊपर वालों की ऑप्शनल है। लेकिन ऊपर वालों की अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दी तो दोस्तों फिर आपको हर मंथ जो है उनकी रिटर्न भी फाइल करनी है, फिर आप स्किप नहीं कर सकते हैं। वैसे दोस्तों EPF में है, अगर कोई कहता है कि जी मेरी कंपनी जब से रजिस्टर हुई है कोई काम नहीं हुआ है और ना ही हम कोई सैलरी दे रहे हैं ना ही कोई एम्प्लॉई है, तो दोस्तों EPF में जो है ऑटोमेटिक एप्लीकेबल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट जो है नोटिस वगैरह सर्व करता है कि जी जब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है आपने कोई रिटर्न वगैरह फाइल नहीं की है और ना ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट किया है, ना ही एक्टिवेट किया है ये नहीं बोलता डिपार्टमेंट, ये मैं ही खुद से बोल रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों नोटिस आते हैं कि जी आपने जब से रजिस्ट्रेशन लिया कोई अपना ड्यू वगैरह क्लियर नहीं किया, कोई फाइलिंग नहीं की है, तो जब हम लॉगिन करते हैं वहीं पर वो दो ऑप्शन देता है कि आइदर वॉलंटरी कवरेज और मैंडेटरी कवरेज। तो भैया हमने अभी कोई सा सेलेक्ट ही नहीं किया, तो रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं हुआ है, जब तक रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं हुआ तो आप हमें कैसे बोल सकते हो कि आपने जो है रिटर्न फाइलिंग नहीं की है, ठीक है। आप हमसे प्रॉपर डिक्लेरेशन ले सकते हो या प्रॉपर हमारे जो एम्प्लॉय शीट है वो चेक कर सकते हो कि आप जो है हमारे 20 और मोर एम्प्लॉय है तो रजिस्ट्रेशन अभी एक्टिव जरूर करना होगा, है ना। और अगर हम वॉलंटरी करना चाहते हैं तो वॉलंटरी एग्रीमेंट फाइल करके हमें एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद कर सकते हो। तो दोस्तों EPF के केस में एक लेटर सबमिट करके भी काम चल सकता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी उस लेटर की बात की थी, एक क्लेरिफिकेशन लेटर कि सर अभी तक हमारे एम्प्लॉय जो है 20 तक नहीं हुए हैं इसलिए हमने अपना एक्टिव नहीं किया है और वॉलंटरी भी हमने अभी तक नहीं किया है, या जैसा केस है कि हमारे तो अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी वर्किंग नहीं है, आप जैसा भी है एक्चुअल केस जो है वहाँ पर दोस्तों डिस्क्राइब कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। कई बार वो मान लेते हैं और कई बार नहीं मानते हैं, अगर वो नहीं भी मानते हैं तो दोस्तों आप जो है सिंपली वॉलंटरी वाले पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट कर सकते हैं और हर मंथ दोस्तों 75 रुपीज का चालान जो है आप पे करके निल रिटर्न अपनी EPF की भी दोस्तों फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि सभी को भैया निल रिटर्न नहीं करनी है, जिनके एम्प्लॉय जो हैं ESI की सी के केस में 10 से ऊपर हैं टोटल एम्प्लॉय, तो उनको जो है रिटर्न अगर 21,000 से ज़्यादा सभी की है और टोटल एम्प्लॉय 10 हैं तो निल रिटर्न करना है, अगर वो वॉलंटियर नहीं करना चाहते हैं। अगर टोटल एम्प्लॉय 10 से ज़्यादा हैं और सैलरी 21,000 तक कुछ एम्प्लॉय की है तो उन कुछ एम्प्लॉय का ESIC रिटर्न प्रॉपर डिडक्ट करके फाइल करना है। वैसे ही EPF में अगर आपने वॉलंटरी कवरेज नहीं किया है, मतलब 20 से पहले, तो अगर आपके एम्प्लॉय 20 से क्रॉस होते हैं तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन एक्टिव करना जरूरी हो जाएगा। और अगर सभी की सैलरी बेसिक प्लस डीए करके 15 से अबव भी है तभी दोस्तों आपको निल रिटर्न जरूर करना है, अगर आप वॉलंटरी रिटर्न फाइल करना नहीं चाहते हैं, मतलब डिडक्ट करना वॉलंटरी नहीं चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके 20 एम्प्लॉय में से 2-4 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके बेसिक प्लस डीए दोस्तों 15,000 तक है तो उन 2-4 एम्प्लॉय की आपको प्रॉपर डिडक्ट करके ये EPF रिटर्न फाइल करनी है। तो दोनों क्राइटेरिया दोस्तों मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको एलिबरेट कर दिए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें दोस्तों कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, आप दोस्तों हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।